अभी हम जयपुर के इस पावर सब स्टेशन पे खड़े हैं, जो इसके एम्प्लॉयज हैं वो राइट फ्रॉम इंजीनियर्स टू लाइनमैन सबके अंदर बहुत गुस्सा है गवर्नमेंट को लेके। उनका कहना है कि हमारी बातें नहीं सुनी गई। उन्होंने एक स्ट्राइक भी किया, दो राउंड नेगोशिएशंस भी हुए गवर्नमेंट से। जो टेक्निकल स्टाफ थे उनकी एक डिमांड आउट ऑफ मेनी एक डिमांड मानी गई, लेकिन जो इंजीनियर रैंक्स पे और रैंक्स पे लोग काम कर रहे हैं उनकी तो कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। पूरे भारतवर्ष में या राजस्थान राज्य के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें सभी में स्किल जो कर्मचारी हैं उनको एक अलग वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि बिजली विभाग है उसके अंदर स्किल भर्ती की जा रही है लेकिन उनका पदनाम बदलकर उनके साथ धोखा किया जा रहा है और उनको कम पेमेंट में नौकरी करवाई जा रही है, उनका एक तरीके से शोषण हो रहा है। सिक्स पे जो ग्रेड पे था तब तक हमारा ग्रेड पे जितना रहता था उसको कम कर दिया गया है, जो नॉर्मल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हमने कर्मचारियों की मांगों के लिए महापड़ाव किया था। पहले हमारी सरकार से मांग थी भाई कर्मचारियों की जायज़ मांगे पूरी की जाए। अभी हमारा जो ग्रेड पे है वो 3600 है और जो हमारा नेक्स्ट प्रमोशन के बाद AEN का पोस्ट है उसका ग्रेड पे 5400 है, तो इतना गैप है बीच में 4200 और 4800, ये दो चीज़ें आ जाती है। तो अगर AEN का 5400 है तो हमारा उसके 4800 ही होना चाहिए, इतना पीछे कर रखा है हमारा। सरकार ने ना सुनी करके वादे पे वादे करती रही, टालती रही बात को। बाद में कर्मचारियों में आक्रोश हुआ, फिर उन्होंने महापड़ाव का निर्णय लिया। फिर हमारा महापड़ाव जगतपुरा में चालू हुआ। हमारी फर्स्ट मांग थी टेक्निकल कर्मचारियों को 2400 पे ग्रेड दी जाए, सेकंड मांग थी हमारे इंजीनियर भाइयों को 4800 पे ग्रेड दी जाए, और थर्ड मांग थी हमारी सी मांग थी अधिमानता पे लगे हुए कर्मचारी सभी को ग्रेजुएट के अनुसार उनको पदोन्नति दिए LDC या बाबू बनाया जाए, डी मांग थी हमारी पेंशन पुरानी वापस लागू की जाए। ये हमारे कई मुद्दे थे कर्मचारियों के प्रति। हमने सरकार तक आवाज़ उठाई, सरकार को कहा भाई हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सरकार ने ना सुनी की, हमने हमारी मांगे पर अड़े रहे, हमने महापड़ाव किया जगतपुरा में। हमारी प्रमुख मांगों में एक डिस्कॉम स्थानांतरण की भी थी, जैसे अपने डिस्कॉम बटे हुए हैं अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, तो उनमें क्या होता है कि अभी तक हमारे स्थानांतरण, जैसे अजमेर डिस्कॉम का कर्मचारी यहाँ नहीं आ सकता जयपुर डिस्कॉम में, तो उसको ज़िंदगी भर अजमेर के डिस्कॉम में ही नौकरी करनी पड़ी। ये भी हमारी प्रमुख, क्योंकि कई लोग हैं जो यहाँ से वहाँ गए हैं, उन्होंने सोचा कि बाद में हो सकता है हमको इधर से उधर शिफ्ट कर, लेकिन इस पर भी अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना तो जॉब क्रिएट किए जा रहे हैं इतने, उस अकॉर्डिंग जितना अपना यूथ का पावर है जितने हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ना तो जॉब क्रिएट हो रहा है, और जो जॉब है वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जो क्रिएट किए गए हैं। जो क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग तो जॉब हो। उसके अलावा हमारी मेडिकल पॉलिसी, जैसे इसको कैशलेस किया जाए, जैसे कई बार हमारे कर्मचारी बिजली विभाग में फील्ड में ज़्यादातर काम करते हैं, उनके साथ में कभी भी कोई हादसा हो जाता है तो उनको हम जैसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ हमारा पूरा खर्च हमसे जेब से बहन करना पड़ता है, तो ऐसी इमरजेंसी परिस्थितियों के लिए हमने ये भी मांग प्रमुख रखी है। पहले हमारे टेक्निकल कर्मचारियों को स्टार्टिंग में 2000 ग्रेड पे मिलती थी, उसी को रिवाइज में इन्होंने 2400 कर दिया। पहले 2 साल में गवर्नमेंट कर्मचारी प्राइवेट परमानेंट हो जाता था, उसी को 3 साल में कर दिया। पहले 9, 18, 19 ऐसे उनका प्रमोशन होता था, उसी को उन्होंने रियाइज करके आज 3 की जगह 3, 11, 21 ऐसे कर दिया। तो उन्होंने हमारे साथ में धोखा किया सरकार से। आज कर्मचारी पूरा, हम बिजली बोर्ड कर्मचारी नहीं, पूरे राजस्थान में जितने भी कर्मचारी बस नगर निगम वाले हैं कई सारे, उन्होंने भी स्ट्राइक की सब लोगों ने, लेकिन किसी की मांगे पर कोई समझौता नहीं हुआ। सरकार नकारात्मक रवैया अपनाती गई और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी से मारपीट करती रही, उससे आज जनता कर्मचारियों में आक्रोश है कि सरकार जो कर्मचारियों के साथ, सरकार कर्मचारियों से बनती आई है, ज़्यादातर सरकार को कर्मचारी लोग बनाते हैं, उन्होंने सरकार ने ऐसा किया करके कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। हम कर्मचारी सारे मिलके, आम जनता या उपभोक्ता मिलके, हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके अलावा हमारी एक ठेका प्रथा भी जो चलता है, इसकी भी हमारी प्रमुख मांग थी। जो ठेका प्रथा बना हुआ है इसको बंद करके उन्हीं जो कर्मचारी हैं पुराने उनको स्थायी किया जाए और ठेका प्रथा को पूर्णतया बंद किया जाए, क्योंकि ठेका प्रथा की वजह से भी हमारे फील्ड में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, जैसे अब ये GSS है यहाँ पे,
जैसे हमारे यहाँ पे कोई ठेका कर्मचारी लगता है तो उसकी क्या पूर्ण जिम्मेदारी नहीं बनती है, वो कई बार चल लाइन को चालू कर देता है तो हमारा कर्मचारी साइड पे जो काम करता है उसके साथ में भी हादसा हो जाता है। तो इसको हम चाहते हैं कि ठेका प्रथा पूर्णतः बंद हो और पूर्णतः सरकारी कर्मचारी हों इसमें। सर चेंज कुछ भी नहीं आया, चेंज कहाँ से आएगा, वो सरकारी पोस्टों को तो ख़त्म कर रहे हैं वो, जबकि अधिकतर विभाग इसको ठेका प्रथा में देना चाह रहे हैं। इसको जो स्किल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसा तो हमको कहीं प्रतीत नहीं होता कि दूर दूर तक हमारे कोई अच्छे दिन आएंगे इसको देखते हुए। जब वो सरकारी कर्मचारी को हटा के प्राइवेट लगा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। एक और बात जो नोट करने की है, टेक्निकल स्टाफ का ये कहना है कि उनकी एक डिमांड जो पे ग्रेड रिवीजन की डिमांड थी वो तो मान ली गई, उसको 2000 से 2400 कर दिया गया, लेकिन इसके साथ उनका एक बड़ा नुकसान दूसरी तरफ कर दिया गया। वो नुकसान ये है कि जो टेक्निकल स्टाफ का अपॉइंटमेंट होता है ये पहले एडहॉक पे रखे जाते हैं, 2 साल की सर्विस के बाद इनको परमानेंट इनकी जो जॉब है, इनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको परमानेंट किया जाता है। उसके बाद पहले आने वाले 9th ईयर में इनका फर्स्ट पे रिवीजन होता है, इनको प्रमोशन मिलता है। उसके बाद सेकंड जो पे रिवीजन और प्रमोशन होता है वो 19 साल में होता है। तो पहला जो इनके जॉब को परमानेंट करने का जो पीरियड 2 साल का था, गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसको 3 साल कर दिया। फर्स्ट प्रमोशन जो 9 साल की सर्विस पे होना था उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 11 साल कर दिया। सेकंड प्रमोशन जो 19 साल की सर्विस पे होना था उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 21 साल कर दिया। तो उनका ये कहना है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने एक डिमांड मांगी, आउट ऑफ एक चार्टर ऑफ डिमांड थी उसमें से सिर्फ एक डिमांड मानी गई, और उस डिमांड मानने के बदले में उनका एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले चुनाव पे ज़रूर पड़ेगा।